बात करते हैं सीएम सिटी करनाल की। सीएम सिटी में धरने पर बैठे अतिथि अध्यापक तस से मस नहीं हो रहे। पूरी रात बड़ी संख्या में महिला व पुरुष अध्यापक लघु सचिवालय के सामने निर्मल कुटिया की ओर जाने वाली सड़क पर डेरा डाले बैठे रहे। सभी अध्यापक मांगे पूरी करने की जिद पर अड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं व कार्यक्रमों में शिरकत की, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, परंतु अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति के अंतर्गत आमरण अनशन जो बिल्कुल लघु सचिवालय के सामने है, जहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना होता है, पूरी रात सभी अतिथि अध्यापक वहीं पर डटे रहे। अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 5 लोगों की टीम को भेजा गया था, परंतु मुख्यमंत्री ने लेटर देने की बात मुख्य सचिव खुल्लर से मिलने के बाद देने की कही, जो कि पहले की तरह अतिथि अध्यापकों के साथ सरासर धोखा है। उन्होंने कहा कि जब तक अतिथि अध्यापकों की मांग पूरी नहीं की जाती, वह करनाल की धरा पर ही डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह आगामी कार्यवाही करते हुए कोई भी बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल में मौजूद होते हुए कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। आज प्रदेश हरियाणा के कोने कोने से हमारे अतिथि अध्यापक पहुंचने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में 14,000 गेस्ट अतिथि अध्यापकों का जो 14 सालों से शोषण हो रहा है, उसके आर पार की आज अंतिम लड़ाई है। और हम अगर हमारी मांग को इस भाजपा सरकार ने जो वादा किया था, अगर उस वादे को नहीं निभाया तो आज हम ईंट से ईंट बजा देंगे इस भाजपा सरकार की। और हम कुछ भी अपने रोजगार के स्थायित्व के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जो 5 आदमी मिलने गए थे उनका क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ? हाँ जी, कल हमारा शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम राजेश कुलर से बात करेंगे, जो हमारे सीएम के प्रधान सचिव हैं। वो ये कहते हैं कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा। ये बात का दौरा भी बहुत हो चुका, हमें मिट्टी गोली नहीं चाहिए, हमें स्थायी लेटर चाहिए। आगामी क्या रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आपको इशारा जरूर कर सकते हैं। आज हमारे प्रदेश हरियाणा के 22 जिलों में 14,000 अतिथि अध्यापक लगे हैं। कुछ ही क्षण में आपके पास वो विद फैमिली पहुंच जाएंगे और हम वो करके दिखाएंगे जो भाजपा सरकार सोच भी नहीं सकती। जो आए दिन कहती ना 75 बार, अब की बार हरियाणा से बाहर, ऐसा हम करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हमेशा धोखा किया है। आज ही नहीं, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।